वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप्लेस पर। और हम आपके लिए लेके आए हैं महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम एनालिसिस। फ्रेंड्स, राजस्थान जीके और इंग्लिश हिंदी के अपने कर लिए थे, अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और जरूर शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस के अपने आंसर मिले हैं, कुछ के नहीं मिले। जितने के मिले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन, वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि घर्षण घटाने के लिए। इसका आंसर हो गया बी। आगे देखिए, टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक है, प्रिजर्वेटिव, तो क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट, मतलब कि डी। आगे देखिए, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक तो कौन सा होता है? लाइकोपीन। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। आगे देखते हैं, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है कहाँ से? यकृत से। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है फ्रेंड्स? जिंक। नायलॉन रेशे बने होते हैं, किसके बने होते हैं? पॉलीमर पॉलिएस्टर बहुलक से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड है चूने के पानी से गुजरना। तो इसका देख लेना फ्रेंड्स, अपने को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। आगे देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में Fe2O3+3CO = 2Fe+3CO2, तो क्या बनेगा? CO अपचायक अभिकर्मक है, बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, नीले रंग का खनिज लेपिस जुली किसका, जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है? इसका आंसर अपने को नहीं मिला है। आगे देखिए, आगे है, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है, तो चावल। अनुवांशिकता रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार डैश की कमी से लड़ने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर अपने को नहीं मिला है। शायद इसका आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त सभी होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। हृदय में थैम्ब्रेसिन वाल्या कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर भी अपने को नहीं मिला है, छोड़ते हैं इसको। गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्नलिखित सही विकल्प चुनिए, यह सही विकल्प चुनना था। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर बी, विभिद्योतक संवर्धन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिकीय प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? आगे, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? यह क्वेश्चन था। आगे था, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य दी धक्का जमने की प्रक्रिया किससे सुमेलित है? ये आपको बताना था। कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग डैश की गणना के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? ये आपको बताना था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बने रहिए हमारे साथ स्टडी स्किल सक्सेस पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।